स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हरियाणा के परस्पेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, हरियाणा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, उनका जो वोटिंग का जो डे है, पोलिंग का जो डे है, उसको चेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन का जो शेड्यूल है, उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। जब आप देखिए कि किसी रिलीजियस गैदरिंग की वजह से या किसी फेस्टिवल की वजह से वोटिंग का जो आउटकम है, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है या उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिले, तो उस दौरान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जो चेंजेज है वो किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें रिसेंट कुछ इवेंट्स के दौरान में, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन जो शेड्यूल्स हैं उनको चेंज किया गया। 2023 का जब दिसंबर के समय में राजस्थान के जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, तो आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर वेडिंग का जो सीजन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो राजस्थान स्टेट असेंबली के जो वोटिंग का जो डे है, उसको भी चेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐसे ही पंजाब के रिगार्डिंग में जो चेंजेस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे 2022 के समय में। स्टूडेंट्स, पंजाब से काफ़ी सारे जो पर्सनस हैं, गुरु रविदास के जो फॉलोअर्स हैं, और आप देखिए कि उनके द्वारा बनारस के वहाँ पर जाया जाता है फेस्टिवल के दौरान में, तो इसी वजह से पंजाब का जो वोटिंग का जो डे है उसको भी चेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम हरियाणा के जो इलेक्शन हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो हरियाणा का जो वो पार्ट जो वेस्टर्न राजस्थान के साथ अपना एरिया शेयर करता है, बेसिकली आप देखिए कि जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हरियाणा का। सिरसा के अलावा हिसार है, और इसके अलावा आप देखिए कि फतियाबाद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी का जो नंबर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए बिश्नोई कम्युनिटी के जो पर्सनस हैं, उनका एक फेस्टिवल होने की वजह से उनके द्वारा राजस्थान का जो बीकानेर है वहाँ पे जाया जाता है, क्योंकि राजस्थान के बीकानेर में जो नोखा नाम की जो जगह है, वहाँ पर आप देखिए कि जो बिश्नोई जो सेक्ट है, उसके जो फाउंडर हैं गुरु जम्बेश्वर जी, उनका जो स्थान है, उनका जो प्लेस है, वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, गुरु जम्बेश्वर जी के रिगार्डिंग में ये फेस्टिवल है बिश्नोई कम्युनिटी का, और आप देखिए कि इसी वजह से जो यहाँ पे वोटिंग का जो पैटर्न है, वोटिंग का जो डे है, उसको यहाँ पे चेंज किया गया। अगर हम गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में डिस्कस करें, तो गुरु जम्बेश्वर जी के द्वारा जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसको आप देखिए कि इस्टेब्लिश किया गया था। गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक तो आपको उनका जो टाइम पीरियड है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1451 से लेकर 1536 का जो समय है, ये इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इनके द्वारा जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसको सेटअप किया गया, बिश्नोई जो सेक्ट है उसके ये फाउंडर है। बिश्नोई कम्युनिटी बेसिकली क्या है, आप देखिए कि जो 20+9 कुछ इनके जो आपको रूल हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अमरता देवी बिश्नोई के बारे में आपने रीड किया होगा कि 1700 के समय में उनके द्वारा किस तरीके से जो ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइज किया गया था। और अमरता देवी बिश्नोई आप देखिए कि एक इंस्पायरिंग लीडर हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जो हमारे ट्री के जो कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो मूवमेंट्स हैं, चिपको मूवमेंट है, उसके परस्पेक्टिव से। तो गुरु जम्बेश्वर जी का ये टाइम पीरियड है 20+9, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के कुछ रूल्स हैं जिनको प्रमोट करते हुए एक सेक्ट है उसको इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जिसको कि हम बिश्नोई सेक्ट के रूप से या बिश्नोई कम्युनिटीज़ के रूप से जाना करते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी का जो प्रेजेंस है आपको राजस्थान के अंदर में, राजस्थान के अलावा आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब का भी जो फजलिका का जो एरिया है वहाँ पर आपको पंजाब के वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में था। अब आप देखिए कि कोई भी हमारे जो सेंट्स हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो UPSC के द्वारा किस तरीके से पूछे जाते हैं। 2013 के समय एक UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे 3 सेंट हैं, उनके नेम दिए गए थे 2013 के समय में, कि जो हमारे गुरु नानक हैं, हमारे जो गुरु नानक हैं, गुरु नानक के जी के अलावा आप देखिए कि जो दादू दयाल हैं, जो संत दयाल हैं उनके बारे में, और त्यागराज जी हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन कौन हैं जो बेसिकली बाबर के जो कंटेम्प्रेरी हैं वो हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में आपको जो टाइम पीरियड है वो पता होना चाहिए कि किस समय उनका जो पीरियड है वो हुआ करता था। गुरु नानक के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 1469 से लेकर 1539 का वो समय है, इनका जो टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा।
दादू दयाल, आप देखिए कि आप 1544 के समय इनका जो टाइम पीरियड है, इससे लेकर 1600 तक इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। त्यागराज जो बेसिकली म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से हैं, तंजोर के एरिया से वो बिलोंग किया करते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, और 1767 के समय में आप देखिए कि 18 सेंचुरी के समय में उनका जो बर्थ है, उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, उसका जो राइट आंसर है वो गुरु नानक था ओनली, जो बेसिकली आपको कंटेम्प्रेरी देखने के लिए मिलेंगे बाबर के। अब बाबर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, अगर आपको बर्थ भी नहीं पता है तो 1526 के समय में, 1526 के समय इब्राहिम लोदी के साथ में इनके द्वारा जो बैटल ऑफ पानीपत है उसको फोर्ट किया गया था, और बैटल ऑफ पानीपत के अंदर इनकी विक्ट्री के बाद में आप देखिए कि इनके द्वारा जो मुगल एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर में। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने कंटेम्प्रेरीज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर रीड किया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो गुरु नानक हैं क्या कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे गुरु जम्बेश्वर जी के, तो आपको कंटेम्प्रेरी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हरियाणा इलेक्शन के बारे में था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लीट पावर है स्टेट्स के अंदर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनका जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट करने के रिगार्डिंग में, किस तरीके से जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना है, क्योंकि फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली के जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं उनको अपॉइंट किया गया है, तो उनके बारे में मेंशन है। आप देखिए कि जो स्टेट का जो सिविल सर्विस हुआ करता है उसमें जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उनका एज ए चीफ सेक्रेटरी के रूप से अपॉइंट किया जाता है मैक्सिमम समय गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो आप देखिए कि नए चीफ सेक्रेटरी हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, बट दिल्ली कम्प्लीट स्टेट नहीं है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असम्बली को इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, जो चीफ सेक्रेटरी है उनका अपॉइंटमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो लाओस के बारे में है। आप देखिए कि लाओस से कुछ इंडियन पर्सनस हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, जो वहाँ पर साइबर स्कैम के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था, उसके अंदर वो इंगेज थे। काफ़ी सारे ऐसे पर्सनस हैं जिनको कि ले जाया जाता है एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, और वहाँ पे आप देखिए कि ऐसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उनको इंगेज कर दिया जाएगा। ऐसा ही आप देखिए कि रसिया के पर्सपेक्टिव से भी सामने आया था कि रसिया यहाँ से जो रिक्रूट किया गया उनको एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में था। लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि रसियन जो आर्मी है उसके अंदर एज ए हेल्पर के रूप से उनको अपॉइंट किया जाता है, और वहाँ पर जो रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो भी देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर रसिया के विजिट के लिए गए तो उन पर्सन्स का इंडिया के अंदर डिपोर्टेशन के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया था। यहाँ पे लाओस से कुछ इंडियन पर्सन्स उनको रेस्क्यू किया गया है, जो कि साइबर स्कैम सेंटर का जो पार्ट है वो वहाँ पे हुआ करते थे। जब भी हम लाओस के बारे में डिस्कस करते हैं तो लाओस का जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि लाओस का जो लोकेशन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, सपोज़ कीजिए इंडिया का मैप है, सपोज़ कीजिए इंडिया का मैप, यहाँ पे आपको जो बांग्लादेश है वो देखने के लिए मिलेगा, और आप देखिए कि ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये क्या है, सॉरी, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये बेसिकली म्यांमार है। म्यांमार के बाद में आपको यहाँ पे म्यांमार के साथ ही एरिया शेयर करता हुआ आप देखिए कि लाओस है। लाओस का जो वेस्टर्न पार्ट है ये थाईलैंड के द्वारा कवर किया जाता है, ये जो पार्ट है वो कम्बोडिया के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, और आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको वियतनाम है वो देखने के लिए मिलता है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर वियतनाम है कम्प्लीटली, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको चाइना का जो बॉर्डर है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि लाओस यहाँ पे सिचुएटेड है। काफ़ी बार हम मकोंग रिवर के बारे में भी रीड करते हैं। मकोंग गंगा आप देखिए कि कॉपरेशन भी है, मकोंग गंगा कॉपरेशन है जिसके अंदर चाइना उसका मेंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हम मकोंग रिवर के बारे में रीड करते हैं, मकोंग रिवर के ऊपर ही इसका जो लाओस का जो कैपिटल है वो सिचुएटेड है। मकोंग गंगा कॉपरेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि उसके जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन हैं, उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है कि मकोंग गंगा के जो जो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। क्या यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार के अलावा क्या यहाँ पे लाओस भी इसका पार्ट है या नहीं है, थाईलैंड भी इसका पार्ट है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए मकोंग गंगा कॉपरेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये रेसिंग के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है, तमिलनाडु के वहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि साइक्लोन के बारे में मेंशन है कि सितंबर के मंथ के समय में, आप देखिए कि इस साल अगर हम मानसून का जो रेनफॉल के बारे में डिस्कस करें तो अगस्त के समय में हमारे जो एरिड एरियाज़ हैं, हमारे जो ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है मानसून का
काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिला है इस साल। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा रेनफॉल रिसीव होने की वजह से आप देखिए कि काफ़ी अच्छी जो बारिश हुआ है, तो हमारा जो इस साल जो जो खरीफ का जो क्रॉप है उसका भी जो प्रोडक्शन है वो सही देखने के लिए मिलेगा। पर टू मच हैवी रेनफॉल की वजह से आप देखिए कि क्रॉप के अंदर डैमेज के भी कंसर्न्स हुआ करते हैं डिफरेंट। एक तो क्रॉप का जो पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय उनको वाटर का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सेप्टेम्बर के समय के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि साइक्लोनिक कंडीशन और हैवी रेनफॉल का जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारा जो गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट है, गुजरात का जो कच्छ का एरिया है, वहाँ पे लैंड की वजह से, लैंड का जो बेसिकली डिप्रेशन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसकी वजह से भी एक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुआ है। तो उसके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले रीड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मलयालम मूवी इंडस्ट्री के बाद में, जो तेलुगु का जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे भी वुमेन जो एक्ट्रेस हैं उनके द्वारा रिपोर्ट को पब्लिश करने के बारे में कहा गया है कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाए कि वुमेन्स को क्या वहाँ पे भी जो हरेसमेंट के जो केसेज हैं वो फेस करने होते हैं क्या। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हरेसमेंट के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि मूवी इंडस्ट्रीज़ के ही हरेसमेंट के परस्पेक्टिव से एक मीटू मूवमेंट है वो इनिशिएट हुआ था 2017 के समय में। उसके बाद में आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो मीटू मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा कि वर्क प्लेस के ऊपर जो हरेसमेंट है, अब्यूज़ है, वो फेस करना होता है वुमेन्स के द्वारा। और आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में जो कमेटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मूवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उसी कमेटी का जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करने के बारे में डिस्कस किया गया है। जस्टिस के हेमा कमेटी का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया है मलयालम मूवी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में केरल के वहाँ पे। तेलुगु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तेलुगु आप देखिए कि हमारा क्लासिकल लैंग्वेज भी है, और हमारा जो फर्स्ट स्टेट क्रिएट होता है, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को आप रीड करोगे तो आप देखिए कि पोटी श्री मालू नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल्स हैं उनके लिए आंध्रा स्टेट का जो डिमांड है वो किया जाता है। वैसे हमने यहाँ पर आंध्राज के बारे में डिस्कस किया। आप देखिए कि जब हम एंशेंट इंडिया को रीड करेंगे, एंशेंट इंडिया का जो लेटर फेज है हिस्ट्री के अंदर में, तो आप देखिए कि आपको एक एम्पायर देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम सातवाहना एम्पायर के नाम से जाना करते हैं। सातवाहना एम्पायर को आंध्रा स्टेट के रूप से भी जाना करते थे। और सातवाहना के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि एक मेट्रियार्कल आप देखिए कि इनका जो सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मदर का जो नेम है वो यूज किया जाता था सातवाहना के जो रूलर्स हैं, जैसे कि गौतमी पुत्र सत्कर्णी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सातवाहना के समय जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कौन सा हुआ करता था? प्रकृत लैंग्वेज। और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि सातवाहनाज का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा हुआ करता था? प्रकृत लैंग्वेज आपको ऑफिशियल देखने के लिए मिलेगा। आंध्रा स्टेट के बारे में डिस्कस किया, पोटी श्री मालू नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया था। और इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एस के धर कमेटी बनता है कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट नहीं बनाया जाएगा। फिर आप देखिए कि कांग्रेस का एक कमेटी बनता है, जेवीपी कमेटी है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पोटी श्री मालू हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पर्सन का जो डेथ होता है, उसके बाद में एक फजल अली कमेटी बनेगा लेटर फेज के अंदर में, उससे पहले आंध्रा स्टेट है उसको क्रिएट किया जाता है। वुमेन्स के एट्रोसिटीज़ के रिगार्डिंग में पीएम सर के द्वारा आप देखिए कि 75 इयर्स हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के 75 इयर्स कंप्लीट होने के समय में एड्रेस किया गया है पीएम सर के द्वारा, हमारे जो बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो उसके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन सभी के द्वारा। तो 75 इयर्स के कंप्लीट के समय में पीएम सर का तो बेसिक जो स्पीच था उसके अंदर यही मेंशन किया गया है कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ हैं उनको हमें एज ए कंसर्न के रूप से, सीरियस कंसर्न्स के रूप से कंसिडर करना चाहिए। और आप देखिए कि ऐसे जो केसेज हैं वुमेन के अगेंस्ट में, जो क्राइम के जो केसेज हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के रिगार्डिंग में उनका जो फास्ट ट्रैक वे में जो जस्टिस है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के रिगार्डिंग में जो जुडिशियल सिस्टम्स है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमारा जो लोअर लेवल ऑफ जुडिशरी है, रिसेंटली आप देखिए कि केरल स्टेट का जो एग्जाम्पल है इस न्यूज़ के अंदर बताया गया कि केरल स्टेट के वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारे जो जुडिशियल जो पर्सन्स हैं वो वुमेन पर्सन्स का ही रिक्रूटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। लोअर जुडिशरी के अंदर में आप देखिए कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी सही है। बट क्या आपको पता है कि हमारा जो कोई CGI है, क्या किसी वुमेन पर्सन के द्वारा, वुमेन जज के द्वारा
सीजीआई का जो पोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसको होल्ड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इंडिया के अंदर में कोई भी वुमेन सीजीआई है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो हम नागरत्ना मैम हैं उनको एक्सपेक्ट किया गया है कि अगर किसी पर्सन का जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होता है तो नागरत्ना मैम आने वाले फ्यूचर के समय में जो इंडिया का फर्स्ट जो सीजीआई है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फर्स्ट हमारे जो वुमेन जज हैं वो कौन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। फातिमा बीबी हैं जो आपको फर्स्ट वुमेन जज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। लास्ट ईयर भी ये न्यूज़ के अंदर में थे, उनकी डेथ की वजह से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि हाई कोर्ट के अंदर में फर्स्ट वुमेन जज कौन है, हाई कोर्ट के अंदर में आपको लीला सेठ हैं जो आपको फर्स्ट वुमेन जज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जुडिशरी के बारे में था। लोअर लेवल के जुडिशरी के ऊपर, लोअर लेवल में जुडिशरी में वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेंटर के द्वारा बंगाल गवर्नमेंट को कहा गया है कि वहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस के जो केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनको सेटअप किया जाए वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में है। इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फ्यूल है उसका जो ब्लेंडिंग है वो किया जाएगा इथेनॉल के थ्रू में। हमारे गवर्नमेंट का यहाँ पे टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू में। आप देखिए कि जो जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो हमारा पोल्यूशन लेवल है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाए और कार्बन न्यूट्रलिटी का जो हमारा टारगेट है 2070 तक उसको हम अचीव कर सकें। इथेनॉल के अगर हम प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करें तो मानेसर के अंदर एक प्लांट है, मानेसर के अंदर आप देखिए कि एक प्लांट है। मानेसर कहाँ पे है, मानेसर आपको हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलेगा, हरियाणा के ही गुरुग्राम के पास में सिचुएटेड है मानेसर। और आप देखिए कि और भी काफ़ी वजह से ये फेमस है। हमारा जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, आप देखिए कि एनएसजी कमांडोज के बारे में आपने रीड किया होगा कभी ना कभी। एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है या जो मेन जो बेस है वो आपको मानेसर के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो मानेसर के अंदर ही सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, मानेसर के अंदर जो प्लांट है उसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। उसके बाद में हमारे नॉर्दर्न इंडिया का जो प्रेजेंट समय में ऑयल का जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल के जो मेन स्टेशंस हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर भटिंडा है, हरियाणा के अंदर पानीपत है, पानीपत रिफाइनरी आपने रीड किया होगा, मथुरा रिफाइनरी है, तो वहाँ पे फिर मानेसर से उसके प्रोडक्शन के बाद में उनको जो सप्लाई है वो यहाँ पे किया जाएगा। जब भी अगर हम बात करें इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में तो आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कैसे वहाँ पे एंजाइम है उसको डेवलप किया गया है, कैसे इथेनॉल के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में फंगी को एज एंजाइम के रूप से यूज़ करते हुए इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर यूटिलाइज किया गया उसके बारे में मेंशन है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बायो E3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया है, जो IT रेवोल्यूशन के रूप से हम बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो मैन्युफैक्चरिंग्स है उसको इंडिया के अंदर डेवलप किया जाए उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन है। नीति आयोग के द्वारा इसका जो टोटल कॉस्ट है उसके बारे में बताया गया है कि 13.5 बिलियन लीटर का जो इथेनॉल है उसको हमें प्रोड्यूस करना है 2025-26 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1 लीटर जब भी आप देखिए कि फ्यूल के प्रोडक्शन के बाद में या फ्यूल का इस तरीके से प्रोडक्शन का जब कोई भी आर्टिकल रहेगा तो उसके अंदर फूड को भी कंपेयर किया जाएगा, फ्यूल और फ्यूल की वजह से कहीं फूड का जो क्राइसिस है वो ना क्रिएट हो। तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो नेट सिक्योरिटी आपको सरप्लस के अंदर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो सरप्लस के अंदर में है। तो प्रेजेंट समय में जो फूड का जो क्राइसिस है वो नहीं क्रिएट होगा इस तरीके से जो इथेनॉल का जो फ्यूल है उसको प्रोड्यूस करने की रिगार्डिंग में। 1 लीटर पर अगर आपको इथेनॉल है उसको प्रोड्यूस करना है तो 2.5 जो किलोग्राम आपको राइस का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रहेगा, 2.6 जो किलोग्राम है उसका आपको यहाँ पे मेज का बताया गया है, और आप देखिए कि 50 किलोग्राम जो शुगर केन है उसके बारे में मेंशन है। तो हमारा फूड वर्सेज जो फ्यूल का एक डिबेट है वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा इस इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में सेंटर का ये जो प्रोडक्शन का जो बेसिकली प्रोजेक्ट है उसके बारे में मेंशन है। अब यहाँ पे गार्लिक के बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि गार्लिक को हम फूड के अंदर में यूज किया जाता है, फूड के अंदर इसका जो यूज है वो आपको एंशियंट इंडिया के समय से ही देखने के लिए मिलता है। एंशियंट समय से ही जो गार्लिक है
गार्लिक का जो फूड है उसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, गार्लिक के जो एविडेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट के वहाँ पे गार्लिक के जो एविडेंस है वो मिले थे, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहाँ पे जो गार्लिक के जो एविडेंस है वो कहाँ पे मिले हैं। अगर आपको नहीं पता है गार्लिक के जो एविडेंस है उनके बारे में, तो आप देखिए कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से एक बुक है नितिन सिंगानिया का, उस बुक से जाके आप रीड कीजिए। उसके अंदर में काफ़ी अच्छे डिटेल के अंदर बताया गया है, एक टेबल के अंदर बताया गया है कि कहाँ से किसके जो एविडेंस है वो मिले हैं। और भी जो हमारी बुक्स हैं उसको आप रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पे मेंशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स हैं जिसपे किसके एविडेंस है वो मिले हैं। क्या ये जो गार्लिक के जो एविडेंस हैं, क्या हरियाणा के अंदर में जो बालू नाम का जो साइट है जो कैथल के पास में सिचुएटेड है, बालू नाम का जो साइट है क्या वहाँ से मिले हैं, या आप देखिए कि जो राखी गढ़ी नाम का जो साइट है वहाँ से मिले हैं, इसको आपको रीड करना है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे कैथल के बारे में मेंशन किया, कैथल के बारे में जब भी रीड करते हैं तो आपको मेडिवल इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि 1240 के समय जो रजिया सुल्तान है मेडिवल इंडिया का, आप देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत के दौरान में एकमात्र जो वुमेन जो पर्सन है जो पावर के अंदर में आती हैं कुछ समय के लिए, तो उनका जो मर्डर है, उनका जो मर्डर है वो बेसिकली वहीं कर दिया गया था कैथल के अंदर में। जो चहलगामी सिस्टम हुआ करता था, जो रॉयल पर्सन्स हुआ करते थे, वो उनका बेसिकली जो अपियरेंस है, उनका जो डोमिनेशन है उससे खुश नहीं थे। अल्तूनिया का एक प्लान बनाया गया और उनका जो मर्डर है वो 1240 के समय कर दिया जाता है कैथल के वहाँ पर। अब अगर हम बात करें गार्लिक के बारे में, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में गार्लिक का जो यूज है एंशियंट समय से आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी इसके जो एविडेंस है वो हुआ करते थे। गार्लिक का जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती हैं। एक आप देखिए कि जो गार्लिक है उसके अंदर में काफ़ी सारे जो विटामिन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स हैं, इसके अंदर बताया गया है कि 2000 के अराउंड जो केमिकल्स हैं उनका वहाँ पर प्रेजेंस है, जो कि हमारे हेल्थ के परस्पेक्टिव से एंटीबायोटिक जो एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ का जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार आपने कोल्ड के परस्पेक्टिव से, कफ़ के परस्पेक्टिव से भी इनको यूज़ किया होगा अपने डेली हैबिट्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें गार्लिक के अलावा, आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन किया गया है इसके प्रोडक्शन के बारे में। इंडिया के अंदर में जो गार्लिक का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बेसिकली स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अलावा आप देखिए कि राजस्थान है, राजस्थान के अलावा गुजरात है। तो जो बेसिकली आप देखिए कि जो आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है या सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे सेमी जो एरिड कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे इसका जो मेन प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश में कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इसको जो मेजरली वे में प्रोड्यूस किया जाता है, आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में आपने नीमच के बारे में रीड किया होगा। नीमच के वहाँ पे काफ़ी सारा सीमेंट इंडस्ट्री सिचुएटेड है। नीमच के अलावा आप देखिए कि मंदसौर का एरिया है, नीमच का एरिया है, रतलाम का एरिया है। यहाँ पे जो पल्सेज का जो प्रोडक्शन है, जो दाल जो होती है, दाल का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, ये तीन जगह हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं गार्लिक के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। इंडिया का जो रैंक है वो क्या है गार्लिक के परस्पेक्टिव से, इंडिया का जो रैंक है वो स्टूडेंट सेकंड है। फर्स्ट रैंक किसका है, चाइना का फर्स्ट रैंक है गार्लिक के रिगार्डिंग में। एंटीबायोटिक एक्टिविटी हेल्थ के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंशियंट समय से इसका यूज़ किया जाता था। होमवर्क है कहाँ पर इसका साइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि यहाँ पर स्पेस के परस्पेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, आप देखिए कि काफ़ी समय के लिए जो स्पेस के अंदर आपको उनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है, तो क्या उनका हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट हुआ करता है, हेल्थ के ऊपर क्या कोई इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे जो सुनीता विलियम्स का जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनका जो वापस आना डिफ़िकल्ट था, कोई जो सिचुएशन है वो सही नहीं था, तो आप देखिए कि उनको कुछ समय के लिए वहाँ पर रखा गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि अगर हम स्टूडेंट जब भी हम रीड करते हैं स्पेस के रिगार्डिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि बोन्स के ऊपर भी जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई एस्ट्रोनॉट हैं वो बेसिकली स्पेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उनका जो बोन्स है वो वीकर कंडीशन के अंदर होता है। माइक्रोग्रेविटी इसका एक मेन रीजन है, माइक्रोग्रेविटी की वजह से वेट गेन का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और एक सिस्टम है SANS क्या है, जो स्पेस के अंदर जो फ्लाइट रिलेटेड आप देखिए कि न्यूरो जो सिंड्रोम है वो यहाँ पर डेवलप होता है एस्ट्रोनॉट्स के अंदर में। तो ऐसी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं एस्ट्रोनॉट्स के अंदर में, अगर वो लंबे समय तक स्पेस के अंदर उनका जो प्रेजेंस है वो रहता है। तो
मेनली जो प्रॉब्लम है वो बोन्स के वीकर के रिगार्डिंग में है। यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे एनपीएस के साथ में उसका कंपेयर किया गया जो 2004 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर में आप देखिए कि अश्योरेंस ऑफ पेंशन आपको अश्योरेंस ऑफ पेंशन है उसको कहा गया है कि अगर आपका इतने समय का जो यहाँ पे जो सर्विस है वो कंप्लीट होता है तो आपको जो पेंशन है उसको अश्योर किया जाता है। एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे चांस दिया गया है, चॉइस दिया गया है, अगर वो एनपीएस को चूज करना चाहते हैं तो एनपीएस को चूज कर सकते हैं, पर आप देखिए कि यूपीएस अगर उनको चूज करना है तो यूपीएस को चूज कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे चांस भी है। गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी इंक्रीज किया गया है यूपीएस के थ्रू, यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसके थ्रू अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया। बट आप देखिए कि ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही अप्लाई नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी यूपीएस एंड एनपीएस को यहाँ पे अडोप्ट किया जा सकता है। मॉरलिटी लॉ के बारे में है, अफगानिस्तान के अंदर वुमेन्स के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्पोज किया गया है, वुमेन्स के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया स्टूडेंट, तो मॉरलिटी लॉ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्या हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसे यहाँ से? तो आप देखिए यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज़ से नहीं पूछे जा सकते, बट आप अपने ऐसे के अंदर में आंसर के अंदर कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो कि अफगानिस्तान के अंदर वुमेन्स के जो राइट्स हैं, ईरान के अंदर भी आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो नोबल पीस प्राइज़ जिनको दिया गया था 2023 के समय में, नरगिस जो मोहम्मदी उनका नेम है, तो आप देखिए कि उनके द्वारा भी अपने राइट्स के रिगार्डिंग में ही प्रोटेस्ट करते हुए उनको जो नोबल पीस प्राइज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे पाकिस्तान का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया गया है उनके जो फॉर्मर लीडर हैं उनके द्वारा, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मेंशन है, हांगकांग के अंदर में जो सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग में कुछ पर्संस को अरेस्ट किया गया, एग्जाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है, कुछ एरियाज़ के अंदर रशिया के अपने कैप्चर के बारे में मेंशन किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि जर्मनी के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी के अंदर में जो राइट एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ पे लोकल जर्मनी फॉर द ओनली जर्मन पर्सन्स है, इस तरीके के जो राइट्स हैं वो उनके द्वारा बेसिकली इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जर्मनी के अंदर में आप देखिए कि जो माइग्रेंट पर्सन्स हैं उनके लिए बॉर्डर्स हैं उनको ओपन किया गया था एंजेला मर्केल के द्वारा जब वो उसके चांसलर हुआ करते थे। जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आपको प्रेजेंट समय के अंदर में जो राइट एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा ओनली जर्मनी के जो पर्सन हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, जर्मनी फॉर जर्मन से इस तरीके के जो राइट्स इस तरीके के स्लोगन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि उनका जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे जो केसेज हैं प्रेजेंट समय में सामने आए हैं। AFD नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, शायद AFD नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है जर्मनी के अंदर में, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। ताइवान का आप देखिए कि पैसिफिक जो ब्लॉक का जो समिट है उसके आउटकम के अंदर में ताइवान का जो नेम है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ चेंज किया गया, पैसिफिक फोरम का जो मीटिंग है उसके अंदर में, तो ताइवान के द्वारा चाइना के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट्स है वो दिया गया है। साउथ चाइना सी के बारे में है, चाइना और फिलीपाइंस का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तंजोर के बारे में है, आप देखिए कि हमने त्यागराज के बारे में डिस्कस किया, तमिलनाडु का जो तंजोर का एरिया है वहाँ पे देखें कि वीणा को किस तरीके से क्राफ्ट किया जाता है, कैसे उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है उसके बारे में मेंशन है। तंजोर का जो वीणा है वो आप देखिए कि इंडिया का आपको फर्स्ट जो GI टैग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि तंजोर का जो वीणा है वो फर्स्ट GI टैग है उसको दिया गया। बेसिकली किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट GI टैग है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर फर्स्ट GI टैग जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है वो किसको दिया गया था, दार्जिलिंग टी को आपको फर्स्ट GI टैग है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे तंजोर का जो वीणा का जो प्रोडक्शन है जिसको कि सरस्वती वीणा के नाम से भी हम जाना करते हैं, आप देखिए कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किस वुड से बनाया जाता है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट का जो लकड़ी है उससे इसका जो प्रोडक्शन है उससे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन जो हमने यहाँ पे रीड किया। स्टूडेंट्स संडे होने की वजह से आज आपका जो न्यूज़पेपर है वो लेट अपलोड किए हैं, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, कल से आपका जो न्यूज़पेपर है वो समय पर अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।